नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले अध्याय में मैंने कुछ नए रणनीतिक शब्दों को दिया था। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों, आपने उसको रट लिया होगा, दिमाग में रख लिया होगा। यद्यपि मैं कहता हूँ कि उसको रटिए मत, उसको प्रयोग करिए। अगर आप में चैतन्यता होगी, इंग्लिश के प्रति लगाव होगा, झुकाव होगा, समर्पण होगा, वास्तव में आप इंग्लिश बोलना चाहते होंगे, तो पक्का है किसी न किसी टेंस में या किसी न किसी रूल्स में जितना आपकी क्षमता है उसको प्रयोग करके देखा होगा। हमारी जहां तक बात है मित्रों, हमारा अभी चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वो भी सिंपल में। कितना खतरनाक होता है आप महसूस कर रहे होंगे कि एक सिंपल में सर इतने दिन से लेके चले जा रहे हैं, अब तक तो पूरा टेंस खत्म होना चाहिए था। जी हाँ मित्रों, मैं चाहता तो खत्म कर देता, लेकिन जिंदगी में जिससे आपका पाला पड़ना है, केवल एक फॉर्मेलिटी दिखा के, थ्योरी दिखा के, गोल्डन रूल दिखा के एक दिन में टेंस खत्म करना और फिर जीवन भर उसी का सामना करना, यह मैं नहीं चाहता मित्रों। चाहता हूं कि इसी के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट, आपकी सारी चीजें क्लियर होती रहे कि जो चीज हमको बोलना है वो यहीं पर तो है, इसी थोड़े से रूल्स में है, और हम जिंदगी भर बड़े बड़े कानून पढ़ते रहते हैं इंग्लिश का। चले मित्रों, आज उन्हीं शब्दों को जो मैंने आपको दिया था पिछले अध्याय में, लगभग उन्हीं शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में, चले देखते हैं। सत्ताधारी पार्टियां बूथ लूटती हैं। मित्रों, कर्ता क्या है? सत्ताधारी पार्टियां। क्रिया क्या है? लूटना। हमने बताया था, है ना, इसमें क्या लगभग सभी पार्टियां करता है, उल्लंघन करना क्रिया है। इसमें चुनाव के दौरान नेता लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मित्रों, तो ये मत देखिएगा कि शुरू में आ गया चुनाव के दौरान तो यही करता हो गया, जी नहीं बिल्कुल। तो इसमें नेता लोग काम कौन कर रहा है, यहाँ पे शुरू करने का काम कौन कर रहा है? नेता लोग करता, ये है मित्रों शुरू करना क्रिया। कुछ पार्टियां करता आत्ममंथन करना क्रिया, कुछ नेता करता टिप्पणी करना क्रिया, सभी पार्टियां करता बनाना क्रिया, आंदोलनकारी करता धरना देना क्रिया। ये मित्रों अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इंडिपेंड में, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। एक वचन है तो यस या यस लगाते हैं वर्ब में, वो वचन है तो नहीं लगाते हैं, हमने इतना देखा। चलिए, सत्ताधारी पार्टियां इनकम्बेंट, इनकम्बेंट पार्टीज। जी हाँ मित्रों, जो सरकार, जिसकी सरकार चल रही है, जिस पार्टी की जो सरकार में सत्तारूढ़ है, तो सत्ताधारी पार्टियां बूथ लूटती हैं। बूथ लूटना क्या बताया था मित्रों? ग्रैब द बूथ, ग्रैब द बूथ पहला ही वर्ड मीनिंग था। तो चूंकि ये पार्टियां बहुवचन है इसलिए हम ग्रैब्स नहीं लगाएंगे, ग्रैब द बूथ। इनकम्बेंट पार्टीज ग्रैब द बूथ। मित्रों, इनकम्बेंट उसमें नहीं था तो आप इसको अलग से निकाल के रख लीजिएगा। लगभग, लगभग अब इसको आप मोस्टली बोल सकते हैं, जनरली बोल सकते हैं, हाँ कई चीज़ें, चूंकि कुछ एडवर्ब अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पूरा बताया नहीं गया है, तो जितना है वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में उसको बस प्रयोग करिए। थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं अगर, तो उसको जाने दीजिए। पहले हमारा मेन है कर्ता क्रिया कर्म। मोस्टली सभी पार्टियाँ, तो कर्ता क्या है? सभी पार्टियाँ। क्या होगा? ऑल द पार्टीज, ऑल द पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। इतना बड़ा मत देखिए मित्रों, क्रिया क्या है? उल्लंघन करना, और उल्लंघन करना का इस बार लिखा था वायलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता का उल्लंघन करना, तो पहले उल्लंघन करना वायलेट, वायलेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो सभी पार्टियां, चूंकि बहुवचन है इसलिए हमने वायलेट्स नहीं लगाया, वायलेट्स नहीं लगाया मित्रों। वायलेट एक वचन नहीं है, बहुवचन है, इसलिए हमने यस यस नहीं लगाया। मोस्टली ऑल द पार्टीज, लगभग सभी पार्टियां चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती हैं। मित्रों, मैंने बताया था कि चुनाव आयोग चुनाव के समय कुछ आचार संहिता बनाती है, आप उसका उल्लंघन करते हो तो गिरफ्तार होगे। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाना, भाषण देना, तीखी टिप्पणी करना, एक दूसरे पर बहुत ही गंदे आरोप लगाना, अगर आपकी वीडियो क्लिपिंग प्रूव हो गई कि आप गलत हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। चलिए,
चुनाव के दौरान नेता लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू करते हैं, तो करता क्या मित्रों? नेता लोग, हमको ये सब नहीं देखना है, नेता लोग, लीडर्स, लीडर्स अब क्या करते हैं, शुरू करना है, स्टार्ट, क्योंकि ये भी बहुवचन है इसलिए हम यस यस नहीं लगाएंगे। लीडर स्टार्ट क्या? आरोप प्रत्यारोप। लीडर स्टार्ट द ब्लेम गेम, काउंटर अटैक, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। चुनाव के दौरान, मित्रों याद होगा के दौरान मैंने लिखवाया था, अगर याद नहीं होगा तो इसमें दे दे रहा हूं, ड्यूरिंग द इलेक्शन, चुनाव के दौरान, ड्यूरिंग द इलेक्शन। अगर आपको पढ़ने का जज्बा होगा, मादा होगा, तो एक वाक्य पर रुकेंगे नहीं आप। चुनाव के दौरान माने ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वार्तालाप के दौरान, ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग माई जर्नी जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान, लगाते रहिए, यूज करते रहिए। कुछ पार्टियां हमेशा आत्ममंथन करती हैं मित्रों, हार जाते हैं, हारने का कारण पूछते हैं। आत्ममंथन माने अपने को मनन करना, अपनी गलतियों को पहचानने का प्रयास करना। कुछ पार्टियां, सम पार्टीज, चूंकि इसमें ज्यादातर वाक्य से बहुवचन में आया है मित्रों, आत्ममंथन करती है। सम पार्टीज ऑलवेज, अब ऑलवेज बीच में क्यों लगा, अभी ग्रामर में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जान लीजिए कि आपकी मर्जी है, ऑलवेज इधर उधर कहीं भी लगाइए। सम पार्टी, चलिए हम चूंकि कर्ता क्रिया साथ में लगा रहे हैं तो ऑलवेज छोड़ते हैं। सम पार्टीज इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट याद करिएगा, आत्ममंथन करना, इंट्रोस्पेक्ट। सम पार्टीज इंट्रोस्पेक्ट ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है मित्रों। कुछ नेता हमेशा तीखी टिप्पणी करते हैं, सम लीडर्स, इसमें ज्यादातर वाक्य बहुवचन में ही बना है। हमेशा तीखी टिप्पणी करना, करना का मित्रों पास होता है, तीखी टिप्पणी, किसी पर कमेंट करना, तीखी टिप्पणी करना, पास, पास माने पास करना। सम लीडर्स पास, तीखी टिप्पणी का एक्रीमोनियस कमेंट या एक्सचेंज, याद करिए मित्रों, एक्रीमोनियस एक्सचेंज, एक दूसरे को एक्सचेंज, मैंने बताया था ना कि किसी चीज के बदले में वही सेम चीज एक्सचेंज, यानी वो गाली दिया तो सेम सेम उसी भाषा में दूसरी गाली। तो सम लीडर्स पास एक्रीमोनियल कमेंट, एक्रीमोनियस कमेंट ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। कर्ता क्रिया कर्म, जो भी पीछे हो ढकेल दीजिए कर्म में। सारी पार्टियां ठोस रणनीति बनाती हैं, ऑल द पार्टीज बनाना का मित्रों क्या बताया था मैंने, चाक आउट ए प्लान, चाक आउट द प्लान, तो हाँ ठोस रणनीति बनाती है, तो क्या होगा, चाक आउट। अब ठोस रणनीति क्या बताया था, कंक्रीट स्ट्रेटजी, याद करें मित्रों, बोलिएगा, प्रोनाउंस करिएगा, कंक्रीट स्ट्रेटजी। ऑल द पार्टीज चाक आउट द कंक्रीट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी माने रणनीति, रणनीति, रण माने युद्ध, नीति माने युद्ध की नीति, तो चुनाव अभी तो युद्ध है मित्रों नेताओं के लिए। ऑल द पार्टीज चाक आउट द कंक्रीट स्ट्रेटजी टू डिफीट देयर अपोनेंट, है ना, अपने दुश्मनों को हराने के लिए बनाती है। आंदोलनकारी अक्सर धरना देते हैं मित्रों, आंदोलनकारी एजिटेटर, याद करिए, आंदोलनकारी करता हो गया धरना देने का, देना का स्टेज धरना, याद करिए मित्रों, स्टेज धरना, एजिटेटर स्टेज धरना, हमने यस यस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब बहुवचन में आ रहा, आंदोलनकारी बहुत से, अक्सर, यूजुअली, अक्सर का बहुत होता है मित्रों, फ्रिक्वेंटली ऑफन, उसका हम प्रयोग देखेंगे कहाँ कैसे होता है, अलग से उसका चैप्टर होगा, अभी नॉर्मल में जानिए। एजिटेटर स्टेज धरना यूजुअली, है ना, क्षुब्ध लोग, करता क्या है, क्षुब्ध लोग माने दुखी लोग, पीड़ित लोग, जैसे मान लीजिए सरकार से कोई बहुत दुखी है तो क्या बोलेंगे, डिसग्रंटल्ड पीपल, ये हमारा कर्ता हो गया, डिसग्रंटल्ड पीपल हमेशा प्रदर्शन करते हैं, तो प्रदर्शन करना का उस बार नहीं लिखवाया था मित्रों, ये नया वर्ड मीनिंग है, होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करने का, होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, disgruntled people hold demonstration always, हमेशा, disgruntled people hold demonstration always,
चुनाव आयोग मित्रों, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन मित्रों, कोई भी चुनाव जब भी होता है तो कौन करवाता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। बीच बीच में मित्रों कुछ बाधाएं आ जाती है, बट कोई बात नहीं। मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था कि आपके पास जुनून है, पढ़ने का मादा है, तो आप ना तो एडिटिंग को महत्व देंगे, न किसी ट्रेन और गाड़ी की आवाज़ को महत्व देंगे, आप सिर्फ मैटर और अपनी समर्पण को महत्व देंगे मित्रों। तो बस इधर देखिए, छोड़िए छोटी मोटी बाधाओं को। चुनाव आयोग आवश्यक योग्यता मांगती है, इलेक्शन कमीशन एक वचन है मित्रों, इसलिए डिमांड्स डिमांड्स हो जाएगा, एक वचन है तो इसलिए डिमांड्स हो जाएगा। मांगना क्रिया है, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, इलेक्शन कमीशन डिमांड्स क्या? अब ये थोड़ा सा रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन माने जरूरी कागजात, जो चीज जरूरी है। मान लीजिए हमने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए 5 पास होना जरूरी है, आधार कार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जितने भी कागजात हैं उसको हम यहीं पर नहीं, कहीं भी, अगर आप बैंक में जा रहे हो तो क्या क्या भाई, व्हाट इज द, या व्हाट आर द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक जरूरी योग्यता क्या चाहिए, 5 पास चाहिए कि 8 पास चाहिए। यद्यपि हमारे देश में बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं है, इसलिए 2 फेल वाले 2 पास वाले भी नेता बन जाते हैं मित्रों। इलेक्शन कमीशन डिमांड्स रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, चुनाव आयोग आवश्यक योग्यता मांगती है, जी हाँ, ऑलवेज नहीं है। सारी पार्टियां नेताओं को खरीदती हैं, क्या होगा मित्रों, करता क्या है, सारी पार्टियां, ऑल द पार्टीज खरीदती हैं, क्या होगा, डू माने करती हैं, डू करती हैं, क्या करती हैं, नेताओं का खरीद परो, डू द हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग मित्रों मैंने बताया था कि जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो सांसद या विधायकों को खरीदते हैं अपने पार्टी में ऐड करने के लिए, जिससे उनकी जो रिक्वायर्ड जो जनमत है, जो बहुमत के करीब पहुंच जाए उनकी संख्या, उसके लिए नेताओं को खरीदती है, ठीक है, सारी पार्टियां खरीदती हैं। तो ऑल द पार्टीज डू द हॉर्स ट्रेडिंग, डू द हॉर्स ट्रेडिंग माने घोड़े के जो व्यापार होता है करती हैं, यानी जिस प्रकार से घोड़ों का लेन देन होता है घुड़सवार मार्केट में, जी घोड़े के मार्केट में, उसी प्रकार से नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, ठीक है मित्रों। तो आपने इसको अंदाजा लगा लिया होगा कि कैसे वाक्य बनते हैं, कितना आसान है, आपके पास केवल वर्ड मीनिंग होना चाहिए, फिर मजा आता बनाने में। अगले एपिसोड में हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मित्रों, अभी वर्ड मीनिंग हमारा पॉलिटिकल खत्म नहीं हुआ है। चलिए मित्रों, अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक्स का बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइबर से तो मुझे थोड़ी सी नाराजगी है कि आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैंने आंकड़ा देखा कि लगभग 60% लोग बिना सब्सक्राइब वाले मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा तो सब्सक्राइबर बन जाइए, क्यों, क्योंकि आप मेंबर बनते हैं तो आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। और दूसरी, अगर पहुंचाना है आपको, लग रहा है कि नहीं मेरे अलावा भी किसी और को ज़रूरत है, मेरे दोस्त यार को, तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को मित्रों। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए भाव के साथ, कुछ नए स्टाइल में। नमस्कार।